आ ले 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 स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का पार्ट 60 है दोस्तों, और अपोनेंट है हत्या। गजब का नाम रखा है दोस्तों इसने। शुरुआत क्लैट से किया है, सेम टैलेंट क्लैट का जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैंने शुरुआत होंगजू से किया है। आग चुसाएंगे हम लोग होंगजू से। क्लैट को वापस अपनी टीम में लाए हैं रॉली वक्त चुसाने के लिए दोस्तों। चलिए आते के साथ ही रगड़ना शुरू कर दिए दोस्तों। ये सब प्राउड कैंपर है, अरिना के बेस्ट कैंपर्स। ये पार्ट 60 में शरीक होना चाहते थे, इसीलिए आए हैं मेरे पास दोस्तों। इन्होंने कहा था कि मुझे शरीक कीजिए पार्ट 60 में, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। मैं बोला ठीक है, 4K सब्सक्राइबर होने की खुशी में पार्ट 60 का वीडियो लाना चाहिए मुझे। सबका तहे दिल से धन्यवाद 4K पहुँचाने के लिए मुझे दोस्तों। आप लोग के बिना कुछ भी नहीं, और जो हूँ आप ही लोग के सहारे हूँ। यहाँ पे ट्रायम कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जंप किक जरूर कनेक्ट हुआ। बउआ अभी भी रगड़ रहे अपने आप को, पता नहीं क्या सोच के आए गेम प्ले में। मैं जान रहा हूँ कि ये लोग प्राउड कैंपर है। ये देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस लोग को। वेल प्लेड भी बोल रहा है, वाह शाबाश शाबाश मुन्ना शाबाश। कालीन भैया बहुत खुश है तुमसे। बउआ सोचा कि ग्रैब करेगा, लेकिन बउआ को ऐसा कोई मौका नहीं दिया मैंने। ड्रैगन आग चुसाने ही वाला था, लेकिन बउआ बच गया। और यहाँ पे स्टबनेस चार्जेस जो कि मैं यूज़ करता हूँ, सबको दिखाता हूँ कितना हेल्थ जनरेट हो सकता है, सेम चीज़ यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे आग चुसाते चुसाते ये क्लैड को हम लोगों ने हरा दिया है, उप्स की बारिश से पवित्र कर दिया। बउआ काफ़ी खुश है दोस्तों, अपने आप को थैंक्स कह रहा है, थैंक्स का परफ्यूम छिड़क रहा है अपने ऊपर, जबकि मैंने उसे ऑलरेडी उप्स से पवित्र कर दिया। अगला शैंग है वाइल्ड अफ्लिक्शन ब्लेड के साथ। और टैलेंट्स पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, फैटल लिया है, स्टार्ज एरो है, स्टाइल ऑफ द ड्रैगन है, ट्रांस है, और ग्लूमी एक्सप्लोजन है। कैंपर्स फ्री, कैंपर्स पसंद वाला शैंग है ये हमारे झाड़ू वाले बाबा। यहाँ झाड़ू वाले बाबा काफ़ी खुश है, टॉन्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इनका कुछ होने वाला नहीं है मेरे सामने। फिर से आग चुसाएंगे हम लोग दोस्तों स्पॉट पर। यहाँ पर ड्रैगन का इस्तेमाल किया, जानता है ये नहीं तो कुछ भी नहीं। काफ़ी देर बाद सोल ग्रिप इस्तेमाल किया, मुझे लगा मैं डॉच कर लूँगा। ये देखिए अच्छे से रगड़ लेते हैं, फिर सर्कस मोड के तहत पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रायम से आग चूसाते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा से आग चूस रहा है झाड़ू वाले बाबा हमारे। आग चूसना भी बोलते हैं बहुत बढ़िया लगता है मुझे। खाना नहीं मिलता है क्योंकि मैं रगड़ते रहता हूँ दिन भर। आपने आग चूसा के मेरी प्यास बुझा दी, और बहुत तकलीफ होने वाली है होंगजू को। मेरे ख्याल से ज़रा सा ही हेल्थ बचा है, और जी हाँ दोस्तों, जिसका मुझे डर था वही हुआ, और होंगजू यहाँ पे हार गया। कोई बात नहीं, कीबो रानी को लाएंगे हम लोग। कीबो रानी केट से भिड़ेंगी आखिर में, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों मेरी कीबो को किसको किसको हराना बहुत पसंद है। पहले तो झाड़ू वाले बाबा से शुरुआत करेंगे, काफ़ी भूखी है। ये देखिए स्वाद चखा दिया है झाड़ू वाले बाबा को। टाइटल झाड़ू वाले बाबा का आ गया ब्लॉक ब्रेक के साथ, और एक HP बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर लिया मैं, लेट अटैक कर दिया, फिर से गलती कर दिया। एक HP बचा, मैं फालतू खींच रहा हूँ उसका। शेडो रेजिडेंस, शेडो एनर्जी फिर से आ गया वापस, और ग्लूमी एक्सप्लोजन ने मुझे दूर फेंक दिया है। और बेसिक, जी हाँ, इस बार झाड़ू वाले बाबा को हम लोगों ने पहुँचा दिया है दोस्तों ड्यूटी पे। उससे पवित्र भी कर दिया है। गहरी सोच में डूबे हुए थे हमारे झाड़ू वाले बाबा, कह रहे थे सैलरी नहीं मिली है मुझे काफ़ी दिन से। मैं बोला ठीक है, मैं सिफारिश कर दूंगा। केट रानी है एट द रेडी नेवर सरेंडर द ग्रेस। यहाँ पे सदन ट्रिक ने घुसा दिया है केट को, पेट से निकाल के पीठ से, पीठ से निकाल के पेट से, हाँ ये सही। और यहाँ पे एक बार और घुसाते दोस्तों। ये देखिए पीठ से घुसाया, पेट से निकाला, एक रेंज्ड वेपन, एक बेसिक किक, एंड जी हाँ दोस्तों, ये अपोनेंट हार गया है, उप से पवित्र हो गया है। थैंक्स से अपने आप को क्या बोलूँ मैं, सेटिस्फाई कर रहा है। चलते हैं एक और कैंपर की तरफ, क्योंकि एरिना में सिर्फ अब क्या बचे हैं दोस्तों, कैंपर्स। ये देखिए मिलिए दोस्तों इनसे, कौन कौन खेला इससे जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कैंपिंग का देवता सवास, बहुत बढ़िया मुन्ना,
शुरुआत में ताली बजा देते दोस्तों कैंपिंग का देवता के लिए। और ये देखिए दोस्तों ट्रिक यूज कर रहा है, मेरे ख्याल से बचना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, कैंपिंग का देवता ने ट्रिक यूज करके अपने आप को बचा लिया है। फिर कभी मिलेगा तो इसे अच्छे से मजा चखाएंगे हम लोग। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ जो कि है प्रिंस, 6000 ट्रॉफीज, मिडनाइट, झाड़ू वाले बाबा और कीबो है साथ में दोस्तों। और महान कैंपर है ये, मेरे ख्याल से बहुत कोई लड़े भी होंगे इससे। फाइट कनेक्ट हुआ हम लोग का, अपरकट अच्छे से रगड़ रही है तो मिडनाइट अपने आप को। स्टोन स्मैशर स्टैम्पेड, मौका नहीं दिया रगड़ने का, साथ में जंप भी किए। देखिए कितने अच्छे से ट्रेड वॉकिंग हो रही है दोस्तों। ब्लिंक यूज किए है मेरे सामने के लिए, सबसे पहला मैं ही था जो ब्लिंक का काउंटर निकाला था दोस्तों। एकदम चुपचाप खड़ा रहने का है अब ब्लिंक के सामने। मैं जंप किक कर ही देता हूँ दोस्तों, रहा नहीं जाता है, तड़प ही ऐसी है। यहाँ पे मिडनाइट खत्म हो गई है, अच्छा से लॉलीपॉप चुसाया है क्लैड ने। कीबो को चुसाने में ज्यादा मजा आएगा दोस्तों, कीबो का टैलेंट पे नजर देखिए। शेडो एक्यूरेसी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट है, शेडो एक्सेलेंस है, अनस्टॉपेबल ऑनस्लॉट है और सदर्न ट्रिक है। महान टैलेंट लिया है इसने, योर कैंपर टैलेंट फाइट। देखिए स्पिनिंग अटैक चालू है, मिल लीजिए दोस्तों कीबो कैंपर। देखिए स्पेशलिस्ट है लोग स्पिनिंग अटैक के, इन लोगों को बेसिक स्पिनिंग के अलावा कुछ नहीं आता दोस्तों। और जब से सदर्न ट्रिक लेवल 10 पे शिफ्ट हुआ है ये लोग उसमें भी माहिर है। देखिए कितने अच्छे से रगड़ना, देखिए ये देखिए ऑफ करके आए हैं ग्रैब करने के लिए, मौका नहीं छोड़ेंगे ये लोग। ये लोग जानते हैं दोस्तों एड्रेनालिन यूज करेंगे हम लोग, तुरंत सर्कस मोड चालू हो जाएगा इन लोगों का। ये देखिए सर्कस मोड दोस्तों, जैसा कि आपको बताया दोस्तों स्पिनिंग अटैक, रगड़ना और बेसिक अटैक, और साथ में ये लेवल 10 का सदर्न ट्रिक जो इन लोगों को फ्री में मिल गया है। ये देखिए ग्रैब करते हैं और एकदम स्पॉट पे लॉलीपॉप चुसाएंगे दोस्तों। ये देखिए कि वो काफी खुश है इस लॉलीपॉप से, सोचा बहुआ कि स्टैम्प मेरा जो थर्ड है उससे बच जाएगा, लेकिन नहीं, मैं तो मैं हूँ। यहाँ पे हल्का सा मौका दे दिया उसे ग्रैब करने का। ये देखिए 1000 कट्स इस्तेमाल किया है बहुआ, सोचता है खत्म हो जाएगा मेरा क्लैट। नहीं, मेरा क्लैट तो मजा लेता है, उसको स्टबर्नेस खाना बहुत पसंद है। क्रिटिकल अगर नहीं लगता दोस्तों तो वहीं पे खत्म था। मुझे लगता है शैडो मूव इस्तेमाल करना चाहिए मुझे। आहा, टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, नहीं तो कीबो को हरा ही देता मेरा क्लैट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीबो को ही लाते हैं। मेरी कीबो जो है सबसे स्पेशल कीबो है, ये सब नकली कीबो है दोस्तों, ये सब दूसरे वेरिएंट है कीबो के, डॉपल गैंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, एविल कीबो ये सब, एविल फाइट। ये देखिए दोस्तों अभी भी रगड़ना चालू है, कीबो से थोड़ा सा खेल लेते हैं हम लोग, कर्तव्य मेरी कीबो दिखाएंगे आप लोगों को, मनोरंजन करेंगे। ऐसा मनोरंजन और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिल सकता है दोस्तों। बेसिक किक के साथ उसे भेज दिए हम लोग शैडो एक्सेलेंस में। ये देखिए ऑप किया मैंने, उसने बेसिक से मुझे स्वागत किया है दोस्तों। ये देखिए क्रिटिकल है, फिर सदर्न ट्रिक है, एकदम सब स्मार्ट कैंपर से दोस्तों, ये लोग कुछ भी करेंगे जीतने के लिए। और यहाँ पे मैंने होस्ट कैरी दिखाई दोस्तों, इस बार स्पिनिंग से ही हरा दिया, उप से पवित्र भी कर दिया दोस्तों। चलते हैं उसके आखिरी हीरो की तरफ जो कि झाड़ू वाले बाबा है दोस्तों। टैलेंट पर नजर डालिएगा, एकदम शेडो कंजम्पशन है, यानी हेल्थ रिजनरेट करेगा, रिजनरेशन भी है और आपका शेडो सप्रेशन भी है, वीक पॉइंट्स भी रखे हैं भगवान, और ड्रैगन रखा है स्टाइल ऑफ द ड्रैगन। यहाँ पे सदर्न ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी बढ़िया डैमेज की वो का बउआ काफ़ी सदमे में है, वो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को झाड़ू लगाने के लिए जल्दी भेजेंगे
मेरे को एक तो सैलरी भी नहीं मिलती है, ऊपर से मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ता है। शेंग का दुख दर्द हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों। ग्रैब करने का मौका दे दिया, उसका शेडो मूव भी बहुत जल्दी सपरेशन के थ्रू दोस्तों जनरेट हो गया। हालांकि मेरा एक्सीलेंस बाकी है, और यहाँ पे सदन ट्रिक घुसा दिया है दोस्तों, पीठ से घुसा के पेट से निकाल दिया है और उप से पवित्र भी कर दिया है। इसके पास कोई बोली नहीं है दोस्तों, शांत है एकदम, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। जान रहा है रिएक्शन तो मेरा कल वीडियो में निकलेगा। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, मिल लीजिए शेडो किंग से। अच्छा एक अपोनेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ, माइंड योर ओन गेम प्ले नाम का एक प्लेयर है, 7100 ट्रॉफीज पे है, उसको मैंने हराया दोस्तों, वो भी कैंपिंग कर रहा था। हुआ क्या कि गेम प्ले फ्रीज हो गया, मैंने वैसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद मुझे टेक्निकल विक्ट्री मिल गया। कोई खेला है उसके साथ? मैं सोचा वीडियो इंक्लूड करूँ, लेकिन फिर सोचा कि अधूरा वीडियो क्या डालना है, तो मैंने वो वीडियो नहीं डाला। अगर कोई माइंड योर ओन गेम प्ले के साथ खेला है तो कृपया कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस अपोनेंट से मिलिए दोस्तों, इसका चहलकदमी आप युका के साथ अभी नोटिस कीजिएगा। ये ऐसा शो कर रहा है कि ये कैंपर नहीं है दोस्तों, बट असल में ये बहुत बड़ा कैंपर है। ये देखिए दोस्तों, ये चहलकदमी है, देख रहा है अटैक्स ख़त्म हो गया, फिर ये आगे आ रहा है और अटैक कर रहा है। ये देखिए इसका चहलकदमी पे गौर फरमाइएगा, ऐसा ही होता है युका कैंपर दोस्तों, स्पिनिंग अटैक पे एकदम जो है निर्भर रहते हैं। ये देखिए स्पिनिंग अटैक, जैसा कि मैंने कहा था। और उसके बाद अपना ये शेड का जो शेडो मूव है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। डैमेज देखिए जिलेटिंग का दोस्तों, और यहाँ पे लॉलीपॉप चुसा दिया है आयरन क्लैड ने, काफ़ी खुश है युका, और शेडो मूव से युका को हरा दिया हम लोगों ने। युका गहरी सोच में पड़ गई है, और वेल प्लेड भी बोल रहा है बाबा, वाह शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगला शेंग सॉरी हमारे सार्ज लेंगे। सार्ज का टैलेंट देखिए, कमांडर प्रेस, रिवेंज फॉर द फॉलन, शेडो थर्स्ट, शेडो ट्रेनिंग, अनस्टॉपेबल, मतलब एक अनब्रेकेबल अटैक में शेडो एनर्जी गेन कीजिए, उसके बाद शेडो फॉर्म में चले जाइए, और उसके बाद कमांडर प्रेस करते रहिए। ये देखिए शुरू हो गया कमांडर प्रेस, उसके बाद अप अटैक, उसके बाद जंप किए रिकवरी करने के लिए, और उसके बाद ग्रैप किए, उसके बाद फिर से वही चीज़ करेंगे तो लो अटैक करेंगे। यहाँ पे लॉलीपॉप चूसा दिए सार्ज को, सार्ज काफ़ी खुश है लॉलीपॉप चूस के। एक बार फिर से चुसा दिए लॉलीपॉप हम लोग, साथ में स्टोन स्मैशर भी दे दिए हैं। एकदम स्पॉट पे आजकल लॉलीपॉप मेरा आयरन क्लैड चुसा रहा है दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से चहलकदमी, देखिए दोस्तों एकदम लग रहा है ऐसे कि होता है ना ब्रेक डांस, वही ब्रेक डांस कर रहे हैं, एरिना के माइकल जैक्सन है ये लोग, नाचते रहेंगे। और यहाँ पे रिवेंज फॉर द फॉलन, लेकिन शेडो डिस्पाइट ने जान बचा लिया है क्लैड का। फिर से लॉलीपॉप चुसाया है हम लोगों ने सार्ज को, रिवेंज फॉर द फॉलन एक्टिवेट है दोस्तों, संभाल के रहना होगा मुझे यहाँ पे। ओ गलत मूव दोस्तों, और जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ही था कि मैंने ग्रैब का मौका दे दिया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कीबो रानी को लाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है कीबो को हराने में कितना मज़ा आता है। अजूमा, सार्ज, केट, हिलका, आयरन क्लैड, मार्कस, खुद कीबो, बड़ा मज़ा आता है मेरी कीबो को हराने में। स्मोक स्टांस के साथ आइए मेरी कीबो जलवा भी खेलने के लिए, फाइट। यहाँ पे बेसिक करेंगे क्योंकि वही उस समय कनेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे कमांडर प्रेस, इजी ग्रैब, मुझसे रहा ही नहीं जाता दोस्तों, तरफी ऐसी है क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पे ग्रैब कर लिया, अच्छा मौका मिला, उसका शेडो एनर्जी है उसको वेस्ट करने का मौका मिल गया मुझे। रेंज वेपन दोनों साथ में यूज़ किए हैं, और यहाँ पे बेसिक अटैक से सार्ज हार गया है, उप से पवित्र भी कर दिए दोस्तों। चलते हैं उसके आखिरी हीरो की तरफ, जो कि अजूमा है हमारे दरवान जी, अपने पुराने यूनिफॉर्म में है दरवान जी। टैलेंट भी बहुत बढ़िया चुना है बउआ ने, शेडो सप्रेशन है, सप्रेसिंग एक्सप्लोजन है, इम्पल्स है, नागिनटा फ्लाइट है, और पेनफुल न्यूट्रलाइजेशन है। ये देखिए स्पिनिंग अटैक, उसके बाद रगड़ेंगे। चलिए सदन ट्रिक से पीठ से घुसा के पेट से निकालते हैं, उप्स भी कर दिए, थोड़ा सा पवित्र कर दिया अजूमा को हम लोग। बोल रहे हैं मैं चौकीदारी कर करके थक गया हूँ। बेसिक अटैक एक बार फिर सदन ट्रिक, ओहो मिस हो गया, कट्स भी मिस हो गया, मौका दे दिया बउआ को हम लोगों ने।
कोई बात नहीं, एक्सेलेंस अभी बचा हुआ है, अभी भी मेरे कीबो में जान है तुम्हें हराने के लिए। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा चहलकदमी इसका देखते हैं, और यहाँ पे रोलिंग वेव्स ने हरा दिया है अजुमा को, उप से पवित्र कर देते। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, 860 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, फिर से सबका धन्यवाद 4K सब्सक्राइबर होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।